हेलो, हेलो, क्या कर रहे हो? वेट कर रही थी मैं किसी का ओ, किसका? कर रही थी बस। डम्बो देख, पहले तूने किसी का करके वैसे ही इतनी कंफ्यूजन क्रिएट कर दी। मेरा क्रश, तेरा क्रश, तेरी क्रश, मेरा क्रश, अब ये किसी मतलब का ऑब्वियस सी नहीं। बात ये है कि तू किसका बोलने का क्या मतलब था, तेरा ही वेट कर रही हूँ किसका करूँ नहीं, अब ये चीजें नहीं पता मुझे, पहले इतनी कंफ्यूजन क्रिएट कर दी थी। मैं। हाँ हाँ ठीक है ना, तेरा वेट कर रही थी। अच्छा, मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आया तुमसे, आपसे तेरा? क्यों मतलब अब मैं ऐसे नहीं बोल सकती हूँ क्या? नहीं बोल सकते हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में चलता है, फिर लेकिन ठीक है, तो मैं आपको आप ही बोलूंगी फिर। नहीं, तेरा में तेरा मेरा भी बोल सकते। उमंग बोल दो ना सीधे सा। ठीक किसका वेट कर रहे थे? है अमन जी का। उमंग तो बहुत सारे लड़के हैं। तो मैं मेरे वाले उमंग का वेट कर रही थी। ठीक है ना, बातें मत अच्छा, बनो। सुना, खाना वाना खाया? नहीं खाया, तुमने खाया? नहीं, खाके खिला जाओ, भगवान तुम्हें मुझे आके खिला जाओ। ने दुआ किस लिए दी है? फोन पे बात करने के लिए? खा लेना, टाइम से खा लेना। वैसे कोरोना वोरोना चल रहा है इस टाइम, तो इसलिए टाइम से खाता होना खाना, ठीक है। हाँ, तो मुझे एक बात क्या बताओ कि पूछो? अब तो मतलब तुम्हें बेबी, सोना और जानू और वो और भी जो होते हैं, टोना मोना जो भी होते हैं, वो सब तो बोल सकता हूँ मैं। हाँ टोना हो ना। वैसे मैं एक बात बता दूँ इसके लिए, प्रपोज किया कि टोना सोना बाबू बोलने के लिए मुझे। ये कैसी बात है? मतलब गर्लफ्रेंड को तो ऑब्वियसली बेबी, सोना, टोना मोना ये सब बोलते हैं ना, ऐसा गर्लफ्रेंड को लगता है। बोलते हैं, मुझे पसंद नहीं। प्लीज, क्यों, तो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो क्या? मतलब गर्लफ्रेंड होकर मुझे पसंद नहीं। आप एक कंपाउंड, मेरा इतना क्यूट सा प्यारा सा नेम है रिया, छोटा सा अरे कहाँ तो वर्ड का वो बोलो। वो तो नहीं नेम नहीं है, नहीं 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 लेकिन बेबी, सोना, बॉयफ्रेंड इतने प्यार से अपनी गर्लफ्रेंड को बोलते ना। हाँ, मुझे इतना प्यार नहीं चाहिए ना, तुम्हें प्यार नहीं चाहिए? चाहिए थोड़ा सा ही चाहिए। वो रिया में ज्यादा ज्यादा वहां प्यार। बेबी सुना टो ना मुना नहीं प्लीज। क्या लाइफ में होता? एक गर्लफ्रेंड मिली, वो भी मैं उसको मैं बेबी सोना नहीं बोल सकता। हाँ तो मेरी आज जब मैं बिजी हूँ ना तो मेरी फोटो को देखना, तो उससे बात करना बेबी सोना टोना मोना करके। ठीक है ना, मेरे रियल में मत बोलना प्लीज। क्यों, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है बेबी सोना टोना मोना से? रियल ये ना फिल्मी ड्रामा है, ये टिकटॉक में? और फिल्मी और पता नहीं कौन कौन सा ड्रामा है ये। नहीं देखो, चलो दो देखा नहीं है एक, आपने, मैम्स पढ़े नहीं है? बाबू आपने खाना खाया? अरे हाँ, एक बार ऐसे में बोल के देखता हूँ, प्लीज प्लीज, नहीं 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 एक मैंने बार खाना खा लिया। प्लीज नहीं नहीं प्लीज। नहीं 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 कभी तो नहीं तुमने नहीं खाया था। नहीं अब मैंने खाना खा लिया। प्लीज अच्छा, एक बार एक बार एक बार बोलो नहीं प्लीज नहीं ना। नहीं अरे एक बार पूछने तो दो मुझे, ऐसे ना क्या कर नहीं रहे हो प्लीज ना। नहीं अरे तो एक बार पूछ रहा हूँ, अच्छा मैं लाइफ टाइम नहीं बोलूंगा, फिर एक बार पूछ रहा हूँ। ठीक है। कैसे बोलते हैं, थोड़ा भूल गया, बताना है ना। बापू आपने थाना खा लिया? नहीं, थाना बोल दो उसको, थाना, थाना थाना हाँ वो थाना, वो पुलिस ना। चौकी में बंद होता है थाना, वो वाला हाँ, थाना है। ओके, मैं ट्राई करता हूँ। बेबी नहीं, बाबू ही बोलते हैं, बेबी भी तो बोल सकते हैं, गर्लफ्रेंड को तो बेबी बोलेंगे इच्छा ना। है वो तो अपनी। अच्छा, बेबी था आपने थाना थाया? मैंने खाना तो नहीं खाया पर मैंने खाना खा लिया बाबू। मेरे बेबी ने थाना थाया? नहीं मैं आपके बेबी ने खाना नहीं खाया, बस आप मत बोलना। ये मतलब मैंने अभी खुशी के लिए एक बार बुलवा ली प्लीज। मेरे थाना पुलिस चौकी यही पे आ जाएगा अभी। तो बस पूछ रहा हूँ, मतलब देखो अच्छा लग रहा है ना सुनने में। क्यों नहीं क्यों नहीं? अच्छा सुनो, जैसे अगर मुझे पूछना होगा कि मेरा बेबी मुझसे कितना प्यार करता है, मैं कैसे पूछूंगा जी? कैसे पूछूंगा, मेरा बेबी मुझसे कितना प्यार प्लीज प्लीज, करता है? बहुत रिडिंग लग रहा है यार। अच्छा ठीक है ठीक है, मतलब मैं तुम्हें बेबी सोना, जादू टोना मोना रोना ये सब नहीं बोल सकता, प्लीज नहीं कुछ भी नहीं इनमें तो मैं क्या बोल सकता हूँ? से। प्यारा सा नाम है मेरे, छोटा सा रिया, तो नाम दो प्यारा, रिया। वो बोलोगे? नहीं मतलब मुझे लगा कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मिलते हैं तो बेबी सोना बोलना कंपलसरी है, तो इसलिए। तो कंपलसरी का ऊपर से लिख के आता है कि बोलना ही जरूरी है कंपलसरी? तुम तो ऐसे कह रहे हो, ऐसे मैं रिलेशन पता नहीं कितने बना चुका हूँ।
जिंदगी नहीं तो भर नहीं क्या रिलेशन ही वो बनाता क्वेश्चन रहता लिखा हूँ। हुआ आता है कि मतलब रिलेशन में आ गए अब तो ये सब बोलना पड़ेगा यार, मजबूरी कितनी बड़ी, अब क्या होगा हमारा, अरे वैसे अरे तो मुझे लगा ना कि आप रिलेशन में आए थे भाई, ये सारी चीजें जरूरी होती है रिलेशन में आके, तो बच्चा बोलना पड़ेगा, बेबी बोलना पड़ेगा, सोना बोलना पड़ेगा, टोना बोलना पड़ेगा, रोना धोना सब मतलब हाँ ये बोलना भी सोचा पड़ेगा। 2 साल का बच्चा है तो अपने से दूध भी पिलाना पड़ेगा। और नहीं ये ज्यादा गया। फिर अच्छा मैं एक बात बताऊँ ना, पूछो ना, हाँ कुछ जरूरी बात पूछा था तो मैं फालतू बातें लगा दी। हाँ तो मतलब आप ये भी ये बात भी, नहीं करते पूछो। या तो मतलब ये भी तो कुछ कंपलसरी नहीं है कि नहीं, क्या बोलते हैं कि मतलब जैसे अब हम बेबी सोना तो कंपलसरी रहा नहीं, आपने बता दिया, लेकिन क्या ये कंपलसरी है कि मतलब गर्लफ्रेंड को बाहर लंच डिनर पे ले जाया जाए, डेट नहीं ये भी कंफर्म नहीं है, जरूरी नहीं है, सॉरी कंपलसरी नहीं है। हाँ नहीं। तो ये तो जरूरी होगा मतलब बाइक पे लॉन्ग ड्राइव पे ले जाया जाए। अपनी इच्छा के ऊपर है, वैसे भी हम लॉन्ग ड्राइव पे जा नहीं सकते हैं। अच्छा खाना खाना पूछना चाहिए, पूछना चाहिए, ये भी कंपलसरी है कि ये भी नहीं है क्या क्या? पागल हो क्या, ऐसे बोल दी मैंने कि तेरे रिलेशन बना के छोड़ दियो, मतलब एक नॉर्मली फ्रेंड से पूछता है कि तूने खाना खा लिया, एक कोई अपनी मम्मी से पूछता है मम्मी आपने खाना खा लिया, बहन से पूछता है बहन तूने खाना, तो गर्लफ्रेंड से नहीं पूछो खाना खाया कि नहीं खाया, क्या तू पूरी अच्छा पागल ही हो क्या। नहीं तो मैं वही देख रहा हूँ ना कि बेनिफिट क्या है मतलब गर्लफ्रेंड बनाने में, इतना तो हम दोस्त बन रहे थे तब भी खाने की पूछते थे, तो गर्लफ्रेंड बनाने में एक्स्ट्रा नहीं बेनिफिट क्या है? मैं एक्स्ट्रा बेनिफिट जानना चाहता हूँ। घर में बनाने में एक्स्ट्रा बेनिफिट ये है, जैसे कि बेबी अभी सोना हम बोल नहीं सकता मैं। हाँ मैं बता तो रही हूँ ना, बताओ। जैसे कि कभी हम बहुत ही ज्यादा उदास हो, बहुत ही ज्यादा उदास मतलब किसी को भी बताने वाली बात ना हो, तो हम अपनी गर्लफ्रेंड को बता सकते हैं ना। वो तो ज्यादातर बेस्ट फ्रेंड को ही बता देते हैं, ऐसे ऐसे लड़के और लड़कियां पड़ी हो अपने बेस्ट फ्रेंड में बता देते हैं, सारी बात शेयर कर लेते हैं, मैं नहीं वो नियर बताती, मैं कंधों पे अपनी रख फीलिंग देते से हैं, बता रही हूँ ना, चुप हो जाओ तुम, चुप तो मैं दूसरों की बता रहा हूँ ना। हो रहे नहीं नहीं, ऐसी ऐसी लड़कियां जो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ ही सारी फीलिंग शेयर कर चुप लेती हो हैं, रहे नहीं, मैं भी तो मेरे को बोलने दो दो, तो बॉयफ्रेंड किस चीज लिए बच्चे है, खर्चा करने के लिए हाँ क्या? हाँ खर्चा करने के लिए। नहीं, हाँ देख लो मैं बता दूं पहले ही बार। चलो ठीक है तुम बना लेना, क्या बना लेना, मतलब मुझे बेस्ट फ्रेंड से मतलब अब मैं बॉयफ्रेंड बन गया हूँ ना, तो मैं थोड़ा पैसिव फील करूंगा, ओवर पैसिव होऊंगा और थोड़ा जेलस भी प्लीज फील ठीक है करूंगा। ना, ऐसे वैसे कुछ फील मत करना, आप तो जैसे ही करोगे नहीं, हो जाता है थोड़ा थोड़ा किसी आपसे? अच्छा से भी। वैसे आपको ये तो पता है ना कि मैं मतलब मेरी वीडियोस तो आपने देखी है, तो मैं लड़कियों से वीडियोस बनाता हूँ वगैरह, तो उसमें तो कोई इशू वगैरह नहीं आएगा ना आपका? नहीं, ऐसा कुछ नहीं आएगा, हाँ फिर ठीक है। मैं नहीं वैसे तो आपको पता ही है मेरे बारे में, सब भी पता, आप मेरी फैन रह चुके हो, लेकिन नहीं बिकॉज आपका काम है तो इसमें कोई जेलेसी या फिर वो करने वाली बात नहीं है, थैंक यू कि आप इतने अंडरस्टैंडिंग, अच्छी है आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल पे हो, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच। हाँ तो अब मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन चुके हैं, तो इसमें कुछ वो भी होते हैं क्या, रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं कुछ तो होते होंगे थोड़े बहुत? मेरे हिसाब से तो नहीं होते, मेरे हिसाब से तो मेरा दोस्त बता रहा था होते हैं कुछ, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड है ना। प्लीज मैं एक बात पहले काम खोल कर बता दूं, क्या दोस्तों की बातों में मत लगना, दोस्तों की बातों में लगे तो दूसरे में क्या हो जाएगा, तो किसके, आपकी बातों में लगू? किसी की बातों में भी तो नहीं आपकी लगना, बातों में तो मैं कब का लग चुका हूँ अब? पर दोस्तों की बातों में मत लगना, बस तो आपकी बातों में लग चुका हूँ लेकिन मैं मेरी कब बातों का? में लग जाओ, पर दोस्तों की बातों में नहीं, अच्छा इतना भेदभाव क्यों, मैं दोस्त बड़े बढ़े गया क्या बोलूं मैं, हरामी टाइप के होते हैं, वो कितनी तो मतलब हाथ दया दी, कैसी कैसी बातें करती हो तुम? नहीं नहीं बहुत कुछ सी चीज होते हैं। दोस्त बड़े अच्छे होते हैं, बहुत स्वीट एंड नहीं, केयरिंग होते हैं, प्लीज प्लीज, और दोस्त तो दोस्त होते हैं हाँ भाई। दोस्त दोस्त ही होते हैं, दोस्त को दोस्त ही रखना चाहिए, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं, हाँ तो मैं दोस्त को दोस्त ही रखता हूँ, लेकिन ना जब भी तो बोल रहा हूँ ठीक कि है मेरे ना, दोस्त की उनकी रिलेशन बातों में मत लगना प्लीज, मैं क्यों लगे तो सोच लगूंगा। लेगा। अच्छा सुनो ना, बोलो ना, अब टाइम बहुत हो गया तो मैं थोड़ा काम वाम पे भी ध्यान दूँ। ठीक है बताओ अच्छा सुनो पहले मुझे एक बात बताओ कि पूछो। अब हम रिलेशन में आ गए हैं ना, तो आपको तो बेबी सोना पसंद नहीं है, लेकिन रिया वैसे तो आपका नाम है, बहुत ही प्यारा नाम है, मैं इसको बिगाड़ना नहीं चाहता, बट होता है ना एक बॉयफ्रेंड बनता है तो एक अलग नाम देता है अपने अच्छा तो बंदे को। एक हाँ क्यूट सा निकनेम रख लेना, वो नेक्स्ट बार में सोच लेना, फिर बता देना, ठीक है ना, तो मैं अभी सोच लिया है ना, बताइए रुडिकू क्या रुडिकू है रुडिकू ये कौन सा नाम है प्लीज। जो आप बॉयफ्रेंड रखे, रुडिकू इतना प्यारा नाम है, ठीक है रुडिकू अच्छा लगा तुम्हें?
जो भी है तुम्हें अच्छा लगा ना, ठीक है, तुम अच्छा लगा रिडिकू तुम्हें अच्छा लग रहा है ना। सोचो तुम पब्लिक में पब्लिकली मैं तुम्हें ऐसे बुलाऊंगा रिडिकू ओ रिडिकू हाँ हाँ ठीक है, ठीक है अच्छा लगा तुम्हें अम्मा जी आप जो भी बोला लो, ठीक तो मैं बेबी सोना बुलाऊंगा है, है तुम्हें तो आपको प्रॉब्लम थी बेबी सोना से पसंद है तो ओके। चलो ठीक है मैं काम वाम कर लूँ ओके हाँ ठीक है।